हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी दी न्यू टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड ऑर्थोपैरा रेशो। सो इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी दैट कि अगर हमारे पास ये टॉलिन है, टॉलिन की नाइट्रेशन करें तो नाइट्रेशन से दो प्रोडक्ट बनते हैं। वन ऑफ देम इज़ दी ऑर्थो नाइट्रो टॉलिन एंड वन ऑफ देम इज़ दी पैरा नाइट्रो टॉलिन। तो अगर टॉलिन की नाइट्रेशन से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं तो वन ऑफ देम इज़ दी ऑर्थो इज़ मेजर एंड पैरा इज़ अ माइनर। तो यहाँ पे मैंने 90% सपोज लिया है कि ये सपोज इट इज़ अ 90% और सपोज इट इज़ दी 8%। और इसका मतलब है कि जब टॉलिन की नाइट्रेशन होती है तो यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों जो आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल NO2 जनरेट होगा। वो NO2 इलेक्ट्रोफाइल जो है या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करे तो उसका प्रोडक्ट 90% बनता है, अगर वो पैरा पे लगे तो वो उस प्रोडक्ट की यील्ड जो है वो 8% है। अब हमारे पास अगर हम इस टॉलिन की जगह हम यहाँ पे इथाइल बेंजीन ले लेते हैं, तो लेट्स सी, अगर इथाइल बेंजीन लेते हैं तो इथाइल बेंजीन की जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो इसकी नाइट्रेशन जब करेंगे तो यहाँ से भी इलेक्ट्रोफाइल NO2 जनरेट होगा। तो जब NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो अब हमारे पास जो ऑर्थो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड जो है वो 80% आती है और जो पैरा है उसकी यील्ड जो है 18% आती है। 18। अब यह है कि इसकी परसेंटेज जो यील्ड है वो पहले 90% थी, अब 80 कम हो गई है। तो जो पहले जब टॉलिन था तो तब ये थी 90%, अब इथाइल बेंजीन है तो तब ये कितनी है 80%। तो रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि यहाँ पे जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यहाँ पे NO2 जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, सो देयर फोर द आयनिक एटमोसफेयर ऑफ दिस NO2 एंड यहाँ पे जो इथाइल बेंजीन है इसका जो आयनिक एटमोसफेयर है दैट विल क्रिएट रिपल्शन। तो उसकी रिपल्शन से यहाँ पे ये बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप की जो आयनिक एटमोसफेयर है वो भी ज़्यादा होगा, तो ये इसका आयनिक एटमोसफेयर जो है वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑर्थो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड पहले से जो है वो पर कम हो जाती है। यहाँ पे 80% इसकी यील्ड आई और इसकी कितनी आई 18%। अगर हम इथाइल बेंजीन के बजाय यहाँ पे एक और बड़ा ग्रुप बना दिया तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन हम इसको बोलते हैं। जब हमने आइसोप्रोपाइल बेंजीन की नाइट्रेशन की तो इसकी नाइट्रेशन से हमारे पास जो है जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो पहले से और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। पहले 80% था, अब ये और भी कम हो जाएगी। सपोज इट इज़ द 50% डिक्रीज हो जाती है, 50% पे आ जाती है, और ये जो है पैरा की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ये NO2 यहाँ से भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो वो NO2 यहाँ पे इजीली अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो और भी ज़्यादा बल्की हो गया है। तो देयरफॉर NO2 इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस करेगा, तो देयरफॉर जो है ऑर्थो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड कम हो जाएगी और पैरा पे वो थोड़ा सा दूर होगा, दूर की वजह से इस ग्रुप से जब वो दूर होगा सो देयर फॉर आयनिक एटमोसफेयर ऑफ दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप विल डू नॉट क्रिएट द स्टेरिक हिंडेंस एंड देयर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ दिस यील्ड इज़ हाई। सिमिलरली अगर हम इस ग्रुप से भी इस H को रिप्लेस करके अगर यहाँ पे भी हम मिथाइल लगा देते हैं, सो यहाँ पे देखें इस केस में तो इट इज़ क्वाइट बल्की ग्रुप। तो इसके साथ अगर हम यहाँ पे नम नाइट्रेशन करेंगे तो NO2 जब इलेक्ट्रोफाइल है तो जहाँ इस ऑर्थो पोजीशन पे इसका अटैक जो है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होगा। सो देयरफॉर जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो ऑर्थो में यहाँ पे बहुत कम आएगी, दैट इज़ 8% एंड यहाँ पे जो 90% है। तो जो यील्ड हम स्टार्टिंग से लेके चले थे कि ऑर्थो की 90 थी और पैरा की 8 थी, अब इस केस में यहाँ पे देखें आगे कि जो ऑर्थो है उसकी 8 हो गया और ये 90 जो है पैरा की हो गया है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज दी ऑर्थो पैरा रेशो, कि वो ऑर्थो पैरा रेशो जो है वो इन्वर्ट हो सकती है अगर हमारे पास जो है देर इज़ जो बल्की ग्रुप, जैसे जैसे जो है ग्रुप बल्की होता जाएगा तो देयर फॉर द रेशो जो है वो ऑर्थो की कम हो जाएगी यील्ड और पैरा की ज़्यादा होगी। सिमिलरली हमारे पास एक और इसका केस है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे टॉलिन है, तो टॉलिन की अगर हम इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हमने चार इलेक्ट्रोफाइल लिए हैं, वन ऑफ देम इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सपोज इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल।
तो यू नो दैट द दिस इलेक्ट्रोफाइल जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो अगर यहाँ पे इसका साइज जो है वो छोटा होगा, क्लोरीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है और आयोडीन का सबसे ज़्यादा बड़ा साइज है। अगर हम इसकी फ्लोरिनेशन करें तो फ्लोरिनेशन करने से यहाँ पे ये ऑर्थो पोजिशन के ऊपर ईजिली अटैक कर सकता है बिकॉज आयनिक एटमोसफेयर ऑफ दिस फ्लोरीन कैन बी ईजिली कैमरेड बाय दिस CH3 बिकॉज इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो देयर फोर यहाँ पे ऑर्थो जो है हमारे पास जो है मेजर होगा, तो जो पैरा है वो माइनर होना चाहिए। सो आफ्टर दैट जब हम फ्लोरीन की बजाय हम जब क्लोरीन को लेंगे तो क्लोरीन का साइज जो है वो बड़ा है, इलेक्ट्रोफाइल जो है उसका आयनिक एटमोसफेयर फ्लोरीन से ज़्यादा है। सो जब यहाँ पे ये ऑर्थो पे अटैक करेगा तो देयर फोर आयनिक एटमोसफेयर ऑफ दिस मिथाइल एंड दिस क्लोरीन विल लिटिल क्रिएट ए रिपल्शन ड्यू टू दिस रिपल्शन और स्टिक हेंडस। तो यहाँ पे ये जो ऑर्थो की रेशियो है वो पहले जो 90% आ रही थी अब वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, और जो है पैरा की जो है पहले 8 थी अब वो उसकी यील्ड जो है बढ़ जाएगी बिकॉज ये मिथाइल जो है वो क्लोरीन उससे काफ़ी दूर है। तो देयर फोर देर इज नो स्टिक हेंडस एंड द नो रिपल्शन, देयर फोर दिस प्रोडक्ट जो है इसकी यील्ड जो 8 से 18 हो जाएगी। इट इज़ अ सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू ली है ये सपोज मान के चल रहा हूँ मैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है टॉलिन, अगर टॉलिन की हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो ब्रोमीन जो है ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से भी बड़ा है, तो देयर फोर उसके अंदर यहाँ पे ये जो ब्रोमीन का यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होना और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो ये यील्ड जो है और भी ज़्यादा कम हो जाएगी और पैरा की जो है वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली देर इज़ टॉलिन की अगर आयोडीन एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे रिएक्शन हो तो जो आयोडीन का साइज जो है वो सबसे ज़्यादा है बड़ा है, तो देयर फोर दिस आयोडीन जो इलेक्ट्रोफाइल हैज़ अ हाई बिग आयनिक एटमोसफेयर एंड देयर फोर इट विल क्रिएट द रिपल्शन टू विद दिस दिस मिथाइल ग्रुप एंड देयर फोर द ड्यू टू दिस रिपल्शन देयर फोर दिस ऑर्थो प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी और जो है पैरा की वो ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज मिथाइल एंड आयोडीन आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड देयर फोर दे डू नॉट क्रिएट द रिपल्शन। सो देयर फोर वी विल गेट 8% ऑफ दिस ऑर्थो एंड 90 ऑफ दिस दी पैरा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी ऑर्थो पैरा रेशो। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ देंगे व्हाट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। तो व्हाट इज न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बेंजीन है, तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो मैंने इस तरह से भी बता रखी है कि बेंजीन के साथ जो भाई 6 हाइड्रोजन है, दिस इज द फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हाइड्रोजन आर देयर। ये बेंजीन है, बेंजीन की ओपन स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से लिखी है, और अगर बेंजीन के ऊपर यहाँ पे देखें अगर CH3 लगाओ जैसे हम टॉलिन की बात करते हैं, तो हम ये जो बेंजीन के ऊपर जब टॉलिन लगता है तो हम इस बेंजीन को तब हम क्या मानते हैं, वी ट्रीट इज दिस एज ए बेंजीन न्यूक्लियस, और ये जो ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे जो ग्रुप दे रखा है इसको हम क्या कहते हैं, साइड चेन। तो दैट मीन्स कि जो बेंजीन है तब ये न्यूक्लियस का काम करती है, तो और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, साइड चेन। अब जो हमारे पास टॉपिक है कि न्यूक्लियर हैलोजिनेशन वो क्या चीज़ है, तो हमने ये बता दिया कि ये जो बेंजीन है अगर कोई हाइड्रोजन यहाँ से उतरेगा तो वो बेंजीन न्यूक्लियस से उतर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरीन ले लें तो Cl2 और FeCl3, एज वी नो दैट FeCl3 इज़ अ लूस एसिड, तो देयर फोर ऑक्टेट जो है इसका कंप्लीट नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्लोरीन अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव एंड Cl विल कैरी पॉजिटिव, तो ये बेंजीन जो है इसका कोई भी पाई बॉन्ड जो है वो इस Cl पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये Cl लग जाएगा और ये H आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला पाई बॉन्ड जो है अटैक करता है, अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ पे अटैक करने से ये Cl यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये H ये जो बॉन्ड है ये वापस इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को डोनेट कर देगा और जो हमारा ये H पॉजिटिव है यहाँ से निकलेगा। ये जो H पॉजिटिव है वो FeCl4 से अपना जो है H पॉजिटिव, जो ये जो H पॉजिटिव है वो FeCl4 से Cl नेगेटिव को कंबाइन करके HCl बना देगा। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन उतरा है वो बेंजीन से उतरा है। अगर कोई चीज़ बेंजीन से न्यूक्लियस से उतर रही है तो हम उसको कहते हैं न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। तो इस करेक्शन को भी मैंने इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सका रखा है कि अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से उतरता है दैट मीन से Cl यहाँ पे लगेगा, तो देयर फोर इफ़ द हाइड्रोजन इज जो है वो बेंजीन के न्यूक्लियस से ऊपर रिमूव होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। तो अब देखें
फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टॉलिन है। अब ये टॉलिन है तो टॉलिन की जो है हमारे पास ये यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर हम दोबारा से यही रिएक्शन एफ सी एल टू एफ सी एल थ्री के साथ करेंगे तो सी एल जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट करेगा, तो वो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इस सी एल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। तो देयर फोर ये वाला जो सी एल है, ये वाला सी एल पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ जाएगा और एच हाइड्रोजन यहाँ पे है ही था, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये दोबारा से एच को हम यहाँ पे भेज देंगे और नेक्स्ट स्टेप में देखें कि एफ सी एल फोर नेगेटिव तो यहाँ से बना था, दिस इज एफ एफ ई सी एल और ये वाला सी एल साथ में लग के एफ सी एल फोर नेगेटिव बना था। अब जब ये एच पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा तो देयर फोर ये सी एल यहाँ पे अटैच होगी और जो एच पॉजिटिव निकलेगा वो एफ ई सी एल फोर से अपना एच सी सी एल नेगेटिव कम्बाइन करके एच सी एल बनाएगा और साथ में एफ ई सी एल थ्री जो है एस एच बाहर निकल जाएगा। तो इन दिस केस, ये जो हमारा केस है, इसके अंदर इस वाली बेंजिन जो न्यूक्लियस है इससे हाइड्रोजन उतरा है और यहाँ पे सी एल लगाया है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। सो देयर फोर अगर हमारे पास बेंजीन, ये जो न्यूक्लियस हमने ट्रीट किया और ये साइड चेन है, यहाँ पे अगर हमारा जो है हाइड्रोजन उतरता है तो उसको हम न्यूक्लियर हैलोजिनेशन कहते हैं। सो इन द नेक्स्ट जो बेंजीन न्यूक्लियस है, तो सी हियर दैट अगर हमारे पास यहाँ पे साइड चेन हैलोजिनेशन आ जाती है तो व्हाट इज़ द साइड चेन हैलोजिनेशन। अब हमने जो है न्यूक्लियर हैलोजिनेशन पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास आ जाती है इस वाली द साइड हैंड चेन हैलोजिनेशन। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो टॉलिन है, तो टॉलिन के अंदर ये वाला तो हमने ले लिया बेंजीन न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड द साइड चेन। तो दिस रिएक्शन इज दिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और ये सी एल टू मॉलिक्यूल है, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वी विल गेट द प्रोडक्ट दैट इज द दिस इज बेंजल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड बेंजल क्लोराइड, दिस इज सी एच टू सी एल। दैट मीन टू से कि ये जो सी एल, ये जो एच उतरा है वो अब ये मिथाइल का एक हाइड्रोजन उतरा है यहाँ से, तो वो हाइड्रोजन जो अगर साइड चेन से उतरा है, दिस इज कॉल्ड साइड चेन नॉट फ्रॉम द बेंजीन न्यूक्लियस, दैट्स वाई कि दिस इज कॉल्ड एज अ साइड चेन हैलोजिनेशन। तो यहाँ से ये देखिए इसका जो एक एच उतर गया और ये सी एल लग गया एंड वी गेट द प्रोडक्ट दैट इज द बेंजीन क्लोराइड। बट अगर हमारे पास ये इथाइल बेंजीन है और इथाइल बेंजीन की भी हम दोबारा से क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो देयर फोर वी गेट द टू प्रोडक्ट, वन ऑफ देम इज हियर, दिस इज माइनर एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है सी एच टू सी एच टू सी एल, तो अब ये जो इस कार्बन को हमने क्या लिख दिया अल्फा एंड दिस इज द बीटा, तो ये क्लोरीन है यहाँ पे बीटा पोजीशन पे लग रहा है और ये माइनर बन रहा है। अगर क्लोरीन जो है वो अल्फा पोजीशन पे लगता है तो वो प्रोडक्ट जो है वो मेजर बन रहा है। तो दिस इज क्वेश्चन दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो साइड चेन हैलोजिनेशन है, साइड चेन हैलोजिनेशन है प्रेफरेबली वो अल्फा पोजीशन पे ही मेजर प्रोडक्ट बनाती है, बीटा पे मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो माइनर बनते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, तो एक्सप्लेनेशन जो उसकी है कि वाई द अल्फा के जो मेजर प्रोडक्ट क्यों बनते हैं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने दे रखी है। सी दैट हियर यहाँ पे जो क्लोरीन है वो यूवी लाइट में ब्रेक डाउन करके हमारे पास टू फ्री रेडिकल देता है। अब ये जो टू फ्री रेडिकल हैं वो ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके अगर यहाँ पे इथाइल बेंजीन है, ये इथाइल बेंजीन का यूवी लाइट के अंदर जब ब्रेक डाउन होगा तो ये वाला पाई जो सिग्मा बॉन्ड है ये एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो एच सी एल बन जाएगा और ये वाला जो है फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस वन इज द फ्री रेडिकल ही है। अब ये फ्री रेडिकल जो है आगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, वो कैसे है कि अगर इसका ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है अगर वो इस तरफ आ जाए और ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन उसका इधर चला जाए, इसका पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, अगर यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड था और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा एक इधर से चला जाएगा
तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन करने से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रखे हैं, और यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इधर शिफ्ट कर गया था, यहाँ पे वो फ्री रेडिकल एक्ट कर रहा है। अब ये फ्री रेडिकल जो है दोबारा से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ शिफ्ट कर जाए और इसका पाई बॉन्ड जो है वो इस तरफ आ जाए, और ये वाला पाई बॉन्ड जो है इधर आके फ्री रेडिकल करेगा। तो यहाँ पे ये तो एक सिग्मा बॉन्ड था ही, और ये इलेक्ट्रॉन एक इधर से आएगा, एक इधर से चला गया, तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है। अब ये फ्री रेडिकल जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर कंबाइन कर जाए, और ये वाला पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, एंड वन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन का ये इधर शिफ्ट कर जाए, तो ये हमारा जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, फ्री रेडिकल इधर चला जाएगा, एंड सो ऑन। वन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एंड इसका ये पाई यहाँ पे ब्रेक करके इधर आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए, तो देयर फोर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो फ्री रेडिकल ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल जो है इथाइल बेंजीन का, यहाँ से हम जो स्टार्टिंग लेके चले थे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब फर्स्ट स्टेप में देखें कि जब ये सीएल ब्रेक किया था, तो उसने एक सीएल फ्री रेडिकल यहाँ पे दिया था और एक ये दिया था, और एक तो हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, तो वन ऑफ देम सीएल इज़ लेफ्ट, और वो सीएल जो फ्री रेडिकल है वो इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करता है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाएगा, तो देयर फोर सीएल जो है वो अल्फा पोजिशन के ऊपर अटैच कर जाता है। सो देयर फोर ये वाला प्रोडक्ट जो हम मान रहे हैं कि ये मेजर बनता है, लेकिन बीटा पोजीशन के ऊपर यहाँ पे मेजर माइनर क्यों बनता है, तो सी दैट के उसका रीजन क्या है कि फॉर एग्जांपल ये इथाइल बेंजीन है, अभी इथाइल बेंजीन के ऊपर यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 था, उस CH3 को अगर हमने ऐसा लिख लें, और बाय द वे ये यूवी लाइट में अगर ब्रेक करे और एक फ्री रेडिकल जो है इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ चला जाए, तो ये फ्री रेडिकल जो है सीएल वो इसके साथ कंबाइन करेगा और हमारे पास HCl बनाएगा, और ये जो है ये वाला बॉन्ड जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल आना चाहिए, तो दिस वन इज़ अ फ्री रेडिकल हेयर। अब ये जो फ्री रेडिकल है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए हमारे पास अल्टरनेट बॉन्ड के ऊपर जो है सिंगल डबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें ये सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस के लिए यहाँ पे सिंगल डबल होना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इधर ले भी आता हूँ तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, विच इज़ नॉट फिजिबल, सो देयर फोर रेजोनेंस फिजिबल नहीं है, तो देयर फोर अगर रेजोनेंस फिजिबल नहीं है तो इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है कम है। तो जो पहले वाला था अल्फा पोजिशन पे तो रेजोनेंस है, ड्यू टू रेजोनेंस माल जो है वो माल कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल होगा, तो इसकी रीजन जो है रेजोनेंस फिजिबल नहीं है, तो देयर फोर ये प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल होगा टू माइनर होगा, सो देयर फोर दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज दी माइनर प्रोडक्ट। सो इन ऑर्डर टू सम ऑफ दिस, तो इसका सम अप जो है वो मैंने पीछे कर रखा है, यहाँ पे देखें कि इस तरह से तो हम इस रेजोनेंस को शो कर ही नहीं सकते कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए तो ये बनेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो देयर फोर रेजोनेंस नहीं है, तो देयर फोर अब ये अगर ये फ्री रेडिकल ये यहाँ पे ही था तो ये तो मैंने ऐसे बताया कि दिस इज़ नॉट फिजिबल, अगर ये फ्री रेडिकल यहाँ पे है तो यहाँ पे ये जो सी एल है, अगर जो सी एल टू जैसे ब्रेक करती है, ये सी एल टू को जिसको हम इस तरह से लिख लेते हैं लाइक दैट, और इसका एक जो सी एल हमने पहले यूज़ कर चुके हैं, और ये सी एल अभी फ्री रेडिकल रहता था, वो सी एल फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनाएगा विच इज़ माइनर बिकॉज इट इज़ द नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। सो देयर फोर दिस इज इथाइल बेंजीन, अगर इसके अंदर हम क्लोरीन डालें और यूवी लाइट डालें तो हमारे पास अल्फा पोजीशन पे ये सीएल लगेगी तो दैट इज़ मेजर, एंड अगर बीटा पोजीशन पे सीएल लगेगी तो दैट इज़ द माइनर। थैंक यू फ्रेंड्स।